दर्जी दामोदर समाज के नेता और भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य सुनील माहेश्वरी का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सुनील माहेश्वरी अपनी पार्टी से बेहद दुखी है। वो 30 सितंबर के बाद कभी भी भाजपा छोड़ सकते हैं। ऑडियो में सीएम हाउस से आए फोन पर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। इस ऑडियो में सुनील माहेश्वरी और भाजपा प्रदेश संगठन से विक्रम नामक व्यक्ति आपस में बात करते सुनाई दे रहे हैं। आइए सुनाते हैं इस वायरल ऑडियो में क्या कुछ चर्चाएं हो रही है। हाँ, ग्रुप तो है, मैं तो खुद ही सिलाई कला बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ मध्य प्रदेश सरकार में। आपका शुभ नाम है विक्रम जी, हमारा मैसेज भी थोड़ा पहुँचवाइएगा माननीय बीडी भाई साहब के पास, क्योंकि जैसे हम पूरी मेहनत करते हैं, हमारी समाज पूरी मेहनत करती है, है ना। और मैं चेयरमैन भी रहा हूँ मध्य प्रदेश सरकार में, दर्जी समाज का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, लेकिन अभी अब तक हमारा बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन जो हमारा, मैं सीएम साहब की विधानसभा से हूँ, मेरा पूर्व प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन वो वहाँ कहीं भी पालन नहीं होता बुधनी विधानसभा में, है ना। जैसे सीएम साहब आए तो मंच से नाम नहीं हमारा, है ना, पत्थर में और फोटो में नाम नहीं हो तो उससे कोई अंतर नहीं पड़े, लेकिन मंच पे तो हमारा प्रोटोकॉल था, पूर्व निगम अध्यक्ष का मंत्री का दर्जा था, तो इससे हमारे समाज में और काफी नाराजगी है ना, तो इससे अवगत कराइए, और मौका लगेगा तो 30 तारीख तक हम, है ना, इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो हाँ, हमारा इस्तीफा का है समाजजनों के साथ भोपाल आके, क्या है कि बहुत दुखी हो गए हम लोग, है ना, हम तो तीसरी पीढ़ी हमारी कार, तो ये मैसेज भी हमारा माननीय बी डी भाई साहब इनको पहुंचा देना कि साहब ऐसा ऐसा है, सुनील जी वो इस्तीफा भी दे सकते हैं ना, है ना। तो क्या है, अब हम दुखी मन से कह रहे हैं, हम तो पार्टी के सिपाही है, काम तो करते ही हैं पार्टी का, लेकिन अब हम रिस्पेक्ट नहीं है ना, आप सीएम साहब का क्षेत्र हमको चेयरमैन बनाया और हमको सम्मान नहीं मिल रहा, फिर वो समाज के लोग देखते हैं कि यार तुम्हारी यही सम्मान नहीं विधानसभा में तो दूसरी जगह क्या होगा, और इसके अलावा क्या है ना, तो हमारे समाज को किसी को प्रदेश कार्य समिति में लिया, है ना तो गुजराती दर्जी समाज में लिया, ना नामदेव समाज से लिया, इसके बाद में ना हमको कभी कोई प्रभारी बनाया, तो वो समाज वाले देखते हैं हमें, सब लिस्ट देखते हैं, अरे यार तुम्हारा को तो कहीं ना तो प्रभारी बनाया ना क्षेत्र में सम्मान मिल रहा, तो फिर वो बार बार ताने सुन के, वो दूसरा चीज हमको सीएम साहब ने 8 महीने पहले बनाया बोर्ड का चेयरमैन, है ना, तो 8 महीने बनाया, ना कोई बजट दिया, तो हम समाज के लिए ना तो मशीन बांट पाए, ना कुछ भी नहीं कर पाए, तो वो एक हमारी वो ताने पड़ते हैं कि साहब देखो दिया और बजट भी नहीं दिया, वो कुछ कर भी नहीं पाए समाज के लिए, वो इधर ही अपमानित हो रहा है, तो ऐसा अपमान सहन करने से तो इस्तीफा दे के हम घर बैठेंगे, तो ये मैसेज पहुंचा देना कि साहब वो तो काम नहीं करेंगे, और उल्टा इस पे महामंत्री भी हूँ, पोलिंग एजेंट भी हमेशा मैं ही बनता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीडी भाई साहब सब पहुंचे, वाले सीएम साहब पास पहुंचे ना, भगवान दास जी तक पहुंचे, ठीक ठीक विक्रम जी, ये पहुंचाना जरूर आप में से, है ना, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे और फिर पूरे भारत में जाएगा, उन्होंने साहब बुधनी विधानसभा से इस्तीफा दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सेंड कर दीजिए कि हाँ 30 तारीख के बाद कभी भी इस्तीफा दे, ठीक 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 ठीक, धन्यवाद सर। आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है? निश्चित ही ऑडियो मेरी मन की पीड़ा है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश सरकार में सिलाई कला बोर्ड का गठन रहा, अध्यक्ष रहा, और सिलाई कला बोर्ड का गठन शिवराज जी ने दर्जी समाज के कल्याण के लिए बोर्ड बनाया था, लेकिन समाज का कल्याण हो नहीं पाया, ना तो हमें कोई व्यवस्थित बजट दिया गया, चुनाव के समय मात्र 8.5 महीने का मैं अध्यक्ष रहा और हमारी सरकार चलेगी, सरकार आने के बाद लगातार 3.5 साल से वो बोर्ड में नियुक्ति नहीं हुई, जिससे समाजजनों में काफ़ी रोष व्याप्त है, क्योंकि अभी पिछले माह मुख्यमंत्री निवास में सभी समाजों को बोर्डों की नियुक्ति की गई, उनके महापंचायत की गई, लेकिन हमारी दर्जी समाज के किसी भी व्यक्ति को पंचायत के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है, और मेरी भी ये बार बार उपेक्षा हो रही, इससे भी समाज में काफ़ी गुस्सा व्याप्त है, और निश्चित ही हम समाजजनों से बात करके कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अभी जो आपका ऑडियो चल रहा है, इसमें आप किससे बात कर रहे थे, किसका फोन था वो जिससे आप बात कर रहे थे? पार्टी कार्यालय से फोन आया था, वहाँ पर पार्टी के लिए काम करने का आग्रह किया गया था, मैंने कहा कि जब हमें यहीं पर सम्मान नहीं दिया जा रहा मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में, तो हमें कैसा किस बात का कार्य करूं, और मैं निश्चित ही मुझे बहुत पीड़ा होती है कि मन से मेरा नाम काट दिया जाता है, हमेशा शिलालेख में नाम गायब कर दिया जाता है, तो इससे क्षुब्ध होकर मैं समाजजनों से चर्चा करके आगामी समय पर पार्टी से इस्तीफा दूंगा। जैसा कि आपने उस ऑडियो में ये बोला कि आप 30 तारीख के
के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं? आप अकेले छोड़ेंगे या आपके समाज के साथ और अन्य पदाधिकारी भी छोड़ेंगे? निश्चित ही जब मैं समाज की राजनीति करता हूँ, समाज के हित में कार्य करता हूँ, तो समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुख्यमंत्री जी या भाजपा संगठन ने मुझे नियुक्त किया गया था, तो समाज के लोग मेरे साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जो उपेक्षित हो रहे हैं तो वो मेरे साथ निश्चित इस्तीफा देंगे। 30 तारीख तक का हमने समय दिया है। 30 तारीख तक यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, हमारे समाज की महापंचायत नहीं बुलाई गई, तो हम निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी से दुखी मन से इस्तीफा देंगे। और जैसे पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आप अन्य दल में जाएंगे या क्या रहेगा अगला कदम? ये तो भविष्य की रूपरेखा है, लेकिन अभी तो हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर अपने घर बैठना है, क्योंकि पार्टी को बहुत समय दिया और अगर पार्टी के द्वारा ऐसी उपेक्षा की गई तो हम क्यों ऐसी पार्टी में काम करेंगे। मुझे दुख होगा कि जिस पार्टी को हमारे पूर्वजों ने सींचा है, हमारे समाज के लोगों ने तन मन धन से सपोर्ट करा, उसी पार्टी में एक सच्चे सिपाही के साथ उपेक्षा की जा रही, ये कहीं ना कहीं दुख का कारण है, पार्टी के लिए पतन का कारण है। और निश्चित ही ऐसे में पतन होगा और हम और हमारी समाज दुखी है और हम भारतीय जनता पार्टी समस्त पदों से इस्तीफा देकर अपने